बीकानेर में इंसानियत को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर मस्जिद में पढ़ने जाने वाले नाबालिग बच्चे के साथ घिनौना कृत्य करने की कोशिश की गई, और वही हैरान और शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि मस्जिद में मौजूद मुजीम ने ही बच्चे को अपना शिकार बनाया। ये संगीन मामला धोबी तलाई स्थित मस्जिद का है। इस संबंध में कोटगेट थाना में नाबालिग के पिता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया कि बीकानेर के धोबी तलाई स्थित शाबरी मस्जिद में उसके दो बेटे पढ़ाई करने जाते थे। इस दौरान मस्जिद में अजान लगाने वाले मुजीम ने पहले उसके बड़े बेटे को किसी काम से बाहर भेज दिया और फिर छोटे बेटे को बहला फुसला कर उसके साथ घिनौना कृत्य करने की कोशिश की। जब बच्चा घर पहुँचा तो उसने असहनीय दर्द के चलते अपने परिजनों को आपबीती बताई। भाई बच्चा को मस्जिद के अंदर पढ़ने के लिए भेजा गया था, तो उसके साथ मतलब दो भाइयों को भेजा गया था। एक भाई को मतलब घर शिकंजी लेने के लिए भेज दिया, और दूसरे भाई के साथ मतलब जो मोजिन है वो मतलब पढ़ाया करता था, उसने उसके साथ मतलब उसकी पपियों के लिए गलत मतलब काम करने की कोशिश की। फिर बाद में मतलब उसको मैं मतलब काम पे गया हुआ था, 7 बजे आता हूँ काम पे से। उसके बाद आने के बाद में मतलब मेरी वाइफ मिसेज ने घरवाली ने बताया कि भाई बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। आरोपी आबिद अली मतलब मस्जिद का मोजिन जो अजान वगैरह देता हुआ। क्या नाम क्या हुआ? आबिद अली। वो क्या है मस्जिद में? मोजिन मतलब अजान वगैरह देना और देख रेख करने का काम है। वहीं कोटगेट थाना अधिकारी मनोज माचरा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि संबंध में पीड़ित बच्चे के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और इस मामले की जांच की जा रही है। थाना अधिकारी माचरा ने बताया कि पुलिस टीम ने शिकायत मिलने पर आरोपी मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये धोबी तलाई के अंदर साबरी मस्जिद है, जिसके अंदर नायब इमाम जो मोजिम बोलते हैं, जिसको अजान लगाने का कार्य करता है, एक कोई व्यक्ति है मोहम्मद आबिद है। तो इसके यहाँ मस्जिद के अंदर दो बच्चे को पढ़ने के लिए आते हैं, तो बड़े बच्चे को इसने किसी बहाने घर भेज दिया और छोटे बच्चे के साथ में इसने कोई अश्लील हरकतें की। इसमें इसकी माँ की तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई है, और जो नायब इमाम है उसको हमने एक बार राउंड अप किया, पूछताछ कर रहे हैं। आगे पूछताछ और उसके बयानों के आधार पे ही उसमें आगे कार्य की जाएगी। वहीं इस घिनौने कृत्य से ये सवाल खड़ा होता है कि आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी शर्मनाक हरकतें करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते और मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।